अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। मैं हूं आपका मेज़बान जाज़िब और आप सबको खुश आमदीद है हमारे YouTube चैनल पे। किया पिकांटो एक सिटी कार है जो कि एक साउथ कोरियन कार मैन्युफैक्चरर किया की प्रोडक्ट है। किया पिकांटो 2003 से इन प्रोडक्शन है और अभी तक इसकी 3 जनरेशन लॉन्च की जा चुकी हुई हैं। डिफरेंट मार्केट्स में किया पिकांटो के अलग अलग नाम हैं, जैसे किया मॉर्निंग, किया यूरोस्टार, किया न्यू मॉर्निंग, नाजा सूर्या, नाजा पिकांटो। किया पिकांटो को साउथ कोरिया में लाइट कार की कैटेगरी में डेवलप किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इंसेंटिव्स ऑफर किए जा सकें। किया पिकांटो की फर्स्ट जनरेशन 2003 में लॉन्च की गई, फिर 2007 में इसका फर्स्ट फेसलिफ्ट लॉन्च किया गया एंड देन 2010 में सेकंड फेसलिफ्ट को लॉन्च किया गया। फिर 2011 में किया पिकांटो की सेकंड जनरेशन को लॉन्च किया गया जो कि पाकिस्तान में भी अवेलेबल है और अभी तक यही जनरेशन चल रही है। 2014 में किया पिकांटो सेकंड जनरेशन का फर्स्ट फेसलिफ्ट लॉन्च किया गया और फिर 2015 में सेकंड फेसलिफ्ट लॉन्च किया गया। 2017 में किया पिकांटो की थर्ड जनरेशन को लॉन्च किया गया, फिर 2020 में फर्स्ट फेसलिफ्ट इंट्रोड्यूस किया गया और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस या बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं थी। अलबत्ता एक्सटीरियर वाइज देखा जाए तो सिर्फ डिफ्यूजर्स वगैरह की रीस्टाइलिंग थी, बाकी ओवरऑल एक्सटीरियर और इंटीरियर सिमिलर था। देन लास्ट ईयर 2023 जुलाई में किया पिकांटो थर्ड जनरेशन का सेकंड फेसलिफ्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया और इस फेसलिफ्ट में इंटीरियर ऑलमोस्ट सिमिलर है, अलबत्ता एक्सटीरियर में फ्रंट और रियर एंड से देखा जाए तो टोटली इसको रीशेप किया गया और इसे काफ़ी ज़्यादा एक स्पोर्टी और एक एग्रेसिव लुक देने की कोशिश की गई है। ना सिर्फ स्पोर्टी लुक्स दी गई हैं बल्कि स्पोर्टी नाम भी रखा गया है, जैसे किया पिकांटो स्पोर्ट, फिर किया पिकांटो GT लाइन। ये दो वेरिएंट्स मार्केट में इंट्रोड्यूस किए गए हैं और इसमें भी फर्दर आगे मैनुअल और ऑटो ट्रांसमिशन के साथ अलग वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, जिसमें किया पिकांटो स्पोर्ट्स मैनुअल, फिर किया पिकांटो GT लाइन मैनुअल एंड देन किया पिकांटो स्पोर्ट ऑटोमेटिक, फिर किया पिकांटो GT लाइन ऑटोमेटिक। वेस्टर्न एंड यूरोपियन मार्केट्स के साथ साथ अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन मार्केट में भी किया पिकांटो थर्ड जनरेशन सेकेंड फेसलिफ्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इसकी फर्दर डिटेल्स और स्पेसिफिकेशंस को डिस्कस करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और मुझे अपना फीडबैक लाजमी दिया कीजिए कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले अगर हम इसके इंजन को देखें तो किया पिकांटो में हमेशा से MPI इंजन को ही यूज़ करता आ रहा है। किया पिकांटो की फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन में किया का इनलाइन 3 सिलेंडर 1000 cc MPI इंजन यूज़ किया गया और सेम यही इंजन किया पिकांटो की थर्ड जनरेशन में भी यूज़ किया गया, लेकिन इसमें एक और नया वेरिएंट भी इंट्रोड्यूस किया गया था जो कि इनलाइन 4 सिलेंडर 1200 cc कैटेगरी के साथ था और ये इंजन फर्स्ट फेसलिफ्ट में भी यूज़ किया गया, जबकि सेकंड फेसलिफ्ट में एक और नया वेरिएंट इंट्रोड्यूस किया गया जो कि 1250 cc कैटेगरी के साथ है। अगर हम इसके परफॉर्मेंस फिगर्स को देखें तो ये 83 हॉर्स पावर जबकि 122 Nm ऑफ टॉर्क जनरेट करता है और अगर इसकी फ्यूल एवरेज देखी जाए तो एज पर कंपनी क्लेम्ड मैक्सिमम 20 से 21 किलोमीटर्स पर लीटर तक मिल सकती है और जो कि स्पोर्ट्स ऑटोमेटिक और GT लाइन ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में यकीनन कम होगी। इसके साथ स्पोर्ट मैनुअल और स्पोर्ट ऑटोमेटिक दोनों वेरिएंट्स में 14 इंचेस में अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जबकि GT लाइन मैनुअल और GT लाइन ऑटोमेटिक में 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। सेफ्टी फीचर्स देखे जाए तो इन दोनों वेरियंट्स में इक्वल सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, जैसे ABS, EBD, BA, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, VSM, हिल स्टार्ट असिस्ट, एमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, ऑटोनॉमस एमरजेंसी ब्रेक, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग सिस्टम, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, रियर क्रॉस ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट, लेन असिस्ट, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रियर व्यू कैमरा विद डायनामिक पार्किंग गाइडलाइंस और इसके साथ जो एक सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर है वो एयरबैग्स हैं और इस गाड़ी में 8 एयरबैग्स की ऑप्शन दी जाती है। एयर कंडीशन कंट्रोल्स इसमें मैनुअल दिए जाते हैं। इसके साथ 8 इंचेस में एक टच स्क्रीन LCD दी गई है, फिर 4 स्पीकर्स फ्रंट एंड रियर डोर्स में इंस्टॉल्ड हैं और 2 फ्रंट ट्विटर्स इंस्टॉल्ड हैं और स्टेयरिंग व्हील माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स हैं, फिर क्रूज कंट्रोल दिया गया विद स्पीड लिमिटर, फिर 4.2 इंचेस में सुपरविजन TFT LCD क्लस्टर दिया गया जो कि पूरा डिजिटल है और ये काफी स्पोर्टी लुक देता है। ड्राइवर एंड पैसेंजर दोनों के लिए वैनिटी मिरर्स दिए गए हैं विद लाइट्स। इसके साथ एक और बड़े मजे का फीचर जो कि पिकांटो GT लाइन वेरिएंट में दिया गया और ये किसी भी हैचबैक गाड़ी में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया जाता और ये फीचर है सनरूफ, और ये फीचर सिर्फ पिकांटो GT लाइन वेरिएंट में ऑफर किया जाता है जबकि पिकांटो स्पोर्ट वेरिएंट में ये ऑफर नहीं किया जाता। अलबत्ता सीट्स दोनों वेरिएंट्स में लेदर प्लस फैब्रिक फिनिश में दी जाती हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में किया पिकांटो थर्ड जनरेशन सेकंड फेसलिफ्ट भी लॉन्च किया जा चुका है, जबकि पाकिस्तान में स्टिल सेकंड जनरेशन प्री फेसलिफ्ट वर्जन ही अवेलेबल है। अलबत्ता मुझे किया पिकांटो थर्ड जनरेशन सेकंड फेसलिफ्ट काफी पसंद आया और ऑस्ट्रेलियन मार्केट में जो इसकी प्राइस लॉन्च की गई है उसमें किया पिकांटो
स्पॉट की प्राइस 20,690 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हैं, जबकि किया पिकांडो जीटी लाइन की प्राइस जो कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है 22,490 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है। और अगर इस प्राइस को पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो ये 37 लाख और 40 लाख के अराउंड बनती है। जबकि इस प्राइस टैग में पाकिस्तान में किया पिकांडो सेकेंड जनरेशन प्री फेसलिफ्ट वेरियंट अवेलेबल है। खैर, ये था आज का हमारा एक छोटा सा रिव्यू किया पिकांडो 2024 जीटी लाइन और स्पोर्ट का। और आपकी इस बारे में क्या थॉट्स हैं, क्या आपको किया पिकांडो 2024 जीटी लाइन वेरिएंट पसंद आया है या नहीं आया, या आपकी इस बारे में जो भी थॉट्स हैं, आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट सेक्शन में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। और अगेन फिर से कह रहा हूँ कि अपना फीडबैक लाजमी दिया कीजिए कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह विल सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।